अरसा करीब 13 साल पहले एक परिवार जो है वो पंजाब के जिला बटाला से मोहाली शिफ्ट होता है अपने तमाम सपनों को लेकर। लेकिन आज उस फैमिली का, संधू फैमिली का एक ऐसा सपना पूरा हुआ जिसको लेकर पूरा देश जो है वो खुशियाँ मना रहा है। हम बात कर रहे हैं बेटी हरनाथ की, जिन्होंने पूरे देश का नाम जो है वो आज यूनिवर्स के अंदर रोशन किया है, क्योंकि मिस यूनिवर्स का खिताब 21 साल बाद भारत की झोली में डाला, जिसके बाद पूरा देश खुशियाँ मना रहा है। आज हम हरनाथ के फैमिली के साथ हैं, उनके फादर हमारे साथ हैं, उनके मदर हमारे साथ हैं, उनके जो भाई हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनके फादर मिस्टर पी एस संधू, सर बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई आपको इस पूरी अचीवमेंट के आपका लिए। भी बहुत बहुत स्वागत और सारे इंडिया को भी बधाई है। हरनाथ की मदर भी हमारे साथ हैं, रुविंदर कौर, उनका भी मैम बहुत बहुत वेलकम JK 24/7 न्यूज़ पर, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू 24x7 न्यूज़। थैंक यू। सबसे पहले बात करेंगे हरनाथ के फादर साहब से। सब सब हम बात कर रहे थे 21 साल बाद भारत को ये खिताब मिला। हरनाथ ने भी बहुत मेहनत की, क्योंकि मिस चंडीगढ़ से लेकर तमाम तरह के खिताब उसने अपने नाम किए। लेकिन इतना बड़ा सफ़र कैसे आपको लगता है पूरा हुआ? चुनौतियां भी रही होंगी, क्या ईश्वर ने पूरा सहयोग किया? इतना लक था, तैयारी थी, कैसे आपको लगता है कि ये सपना जो कभी हरनाथ ने देखा था, या ईश्वर का एक बहुत बड़ा रोल है इस पूरे मुकाम के इसमें लिए? सबसे पहले तो हम कहेंगे कि ईश्वर का, परमात्मा का, प्रभु का ही रोल है और इसको मानना भी चाहिए। और वो इसमें विश्वास भी बहुत करती है, वो बहुत मानती है, बहुत अरदास करती है, हर को बोलती है कि मेरे लिए अरदास करो कि मैं जीतूं। दूसरा, उसकी अपनी लगन, मेहनत, इस कोरोना के पीरियड में उसको कोचिंग ना मिलना और घर में ही सभी कुछ सीखना करना, उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो वो उसने बहुत मेहनत की और लगन से ये काम किया और मजबूत इरादे से किया, तो आज कामयाब हुई। तो हमको बहुत प्राउड है इस बात का। हरनाथ की माता रविंदर कौर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, अगर हम बात करें, क्योंकि इतना बड़ा मुकाम हासिल हरनाथ ने किया है, पूरे देश को गर्व है, लेकिन बटाला जैसे शहर से निकलकर मोहाली आना, यहाँ उनकी स्टडी भी हुई, हायर स्टडी भी हुई, अभी भी वो पढ़ रहे थे, लेकिन ये सफ़र जिस तरीके का मॉडलिंग का सफ़र कहते हैं, बहुत बड़ी चुनौती, बहुत सारी कई बार दिक्कतें भी आती हैं। हरनाथ के सामने क्या कभी ऐसा रहा कि उनको भी परेशानी रही हो सोशल तौर पर, या यहाँ तक पहुँचने में क्या मानते हैं कितनी बड़ी भूमिका फैमिली की, आपकी, या उसका जो कॉन्फिडेंस था उसका रहा? देखिए, जहाँ तक खरनास का है, वो लकी रही है इस कामे में, भाग्यशाली थी कि उसको किसी भी किस्म का कोई ऑब्स्टेकल नहीं आया, ना ही समाज की तरफ से, ना ही सोशल की तरफ से। और जिस मुकाम को वो हासिल करना चाहती थी वो उसने कर दिखाया। उसका कॉन्फिडेंस था जो उसको यहाँ तक खींच लाया, समाज की तरफ से या फैमिली की तरफ से या हमारे रिश्तेदारों की तरफ से, क्योंकि हमारे कई रिश्तेदार रूरलाइज्ड एरिया में रहते हैं, तो किसी के सामने भी ऐसा कोई ऑब्स्टेकल नहीं आया। क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके आगे बहुएं हैं, आगे रिश्तेदार जो भी हैं, तो उन सबको पता है कि ये चीज़ क्या है। जब जिसको जिस चीज़ की नॉलेज ही ना हो, उसको क्रिटिसिज्म में आ जाती है वो चीज़। जब आपको पिक्चर सारी क्लियर है तो आई डोंट थिंक सो कोई क्रिटिसिज्म होता है उसमें। मैम, हमें जो जानकारी मिली कि हरनाथ की स्टडी कुछ साल जो अब्रॉड के अंदर भी रही, वहाँ पर भी वो रहे, माहौल उनको ऐसा मिलता रहा कि वो आगे लगातार बढ़ती गई, लेकिन मॉडलिंग के अंदर आना, पहले जिस तरीके से उन्होंने मिस चंडीगढ़ का खिताब जीता, मिस इंडिया, उसके बाद जो सबसे बड़ा खिताब लीवा जो अभी हाल ही के अंदर उन्होंने जीता था, लेकिन कैसे आपको लगा कि उनकी जो रुचि है वो मॉडलिंग की तरफ है, वो ये चीज़ करना चाहते हैं? क्या उन्होंने आपको ये चीज़ शेयर की थी, या आपको लगा कि हरनाथ को ये चीज़ का शौक़ है और उसको इस फील्ड के अंदर आगे जो है वो काम करना चाहिए? 2017 में जब कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी हुई थी, तो उसमें ये मिस चंडीगढ़ इलेक्ट हुई थी टाइम्स फ्रेश फेस ऑफ इंडिया वालों की तरफ से। उसके बाद 2018 में मैक्स इमर्जिंग स्टार, जहाँ पे इसका डब्बू रतनानी के साथ शूट था, मार्क रॉबिसन थे और टेरेस लुइस के साथ 1 मंथ का डांस सेशन था। उसके बाद 2019 में फेमिना की तरफ से ही मिस इंडिया पंजाब रही है। तो इसका अपने आप ही वो ना रास्ता बनता गया और ये आगे आगे चलती रही, रास्ता बनता रहा, उसके फॉलो करती रही। और भगवान की कृपा से उसको हर जगह पे एक इज्जत, एक शोहरत और एक सफलता प्राप्त होती रही। क्योंकि ये घर से हमेशा जाने से पहले एक अरदास करती है, भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास है और इसने कॉन्फिडेंस हमसे यही बिल्ड किया हुआ है। तो वो अरदासें जो हैं वो इसको पूरी तरह से लग गई हैं और
यहाँ तक ये पहुँची है। सिख फैमिली से मैम आते हैं आप, और बचपन की अगर हम बात करें, क्योंकि बटाला के अंदर बचपन बीता होगा, हरनाथ का स्कूलिंग वहाँ पर उनकी रही होगी, किस तरीके की रही उनकी स्कूलिंग? क्या बचपन से शरारती, अपने काम की तरफ किस तरीके का उनका जो था एक व्यवहार रहता था, कैसे था बचपन, और आगे जैसे बढ़ते गए कैसे आपको लगा कि अब चीज़ें जो हैं बदलनी शुरू हो गई हैं? शुरू से ही वो थोड़ी एक्टिव पार्टिसिपेंट और वेरी डाउन टू अर्थ, सॉफ्ट स्पोकन और वेल मैनरिज्म, जो कि उसको वेल मैनरिज्म का सर्टिफिकेट भी मिला है स्कूल टाइम पे। शुरू से ही वो मतलब मींस कि एक्टिव तो हर कोई होता है, लेकिन कुछ अलग से था इसमें ना, जो काम करती थी ना उसको पूरा करके ही उठती थी ये। तो जैसे जैसे बड़ी होती रही इसका और कॉन्फिडेंस बिल्ट होता रहा, और काफ़ी इसने कॉन्फिडेंस से सिलसिला का सॉन्ग है देवदास का सिलसिला सॉन्ग है दिए वाला, उसने दिए हाथ में पकड़ के जलता दिया उसके साथ एक डांस किया था। एंड हार्डली तब ये 8-9 साल की थी, तो 8-9 साल की होगी, हाँ इतनी सी, तो इसको तब से बहुत एक कॉन्फिडेंस सा बिल्ड हो गया, और हमने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया, तूने बहुत अच्छा किया है, तो उससे इसको मोटिवेशन भी मिलती थी, इंस्पिरेशन भी मिलती थी। तो वही चीज़ें जो हैं वो बाद में इसके काम आई हैं, बचपन की जो चीज़ें हैं शुरू से ही वो इसके काम आई हैं। जब पूरा कंपटीशन था, हम भी देख रहे थे कि जब हरनाथ से ये पूछा गया कि क्लाइमेट चेंज को लेकर उनका क्या, और इसके अलावा पर्सनल स्किल को लेकर, या जो अंदर आदमी के डर है, जो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर उनका जो उन्होंने उसके जवाब दिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कुछ सोच समझ कर बोल रहे हैं या कुछ कोई रट्टे लगे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा एक आत्मविश्वास है उनके अंदर, जिस चीज़ पर वो बोल रहे थे बहुत ज़्यादा वो क्लियर था वो चीज़ें। वो अभी इस पेजेंट में उसने यही मेरे को बताया था कि मम्मा बी फेथ इन, हैव फेथ इन योर सेल्फ, बी योर सेल्फ, डोंट इमिटेट एनीवन, क्योंकि सबके अंदर अपनापन है एक, वो ही उसका उभरता है बाहर, कोई किसी को वो उसको ओवरटेक नहीं कर सकता। ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये आपकी सेल्फ गाइडेड थिंग्स हैं, आप अपने आप को कितना प्यार करते हो, लव योर सेल्फ और एक्सप्लोर योर सेल्फ, आप ही कर पाओगे। दूसरा क्या कर रहा है, तांग झांक क्या, वो नहीं करनी, बस फोकस्ड रहना है। और उसने इसी चीज़ को फोकस्ड रख के कि तुम कर सकते हो, वही आंसर उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो कि हम अरदास में भी उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड ही बोलते थे कि उसको भगवान देना, उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड से बड़ी शार्पली और बड़े ब्रेनी वे से आंसर दिया है, और उसी को ही वो यूनिवर्स भी यही चाहता है, हर पेजेंट यही चाहता है कि आप एक ना आर्टिफिशियल टाइप चीज़ ना दो, अपने आप को एक्सप्लोर करो। और टचवुड उसने कोई भी अपने फेस पे कोई भी आर्टिफिशियल सर्जरी या कुछ ऐसा कुछ नहीं कराया हुआ, उसकी नेचुरल ब्यूटी है सारी। फेथ को लेकर बिल्कुल उन्होंने बेबाक बोला, और यही कारण था कि बहुत लोगों ने उस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया। और यहाँ तक बात करते हैं कि मौजूदा दौर में बहुत सारे लोग एक जल्दी का रास्ता अपनाना चाहते हैं तरक्की के लिए, बहुत सारी बेटियां जो स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन आज बहुत बड़ा मुकाम हरनू जिस तरीके से मिला है, क्या कहेंगे देश की बेटियों को, पंजाब की बेटियों को, कैसे वो आगे बढ़ें, कि एक हरनूर के मैसेज मदर होने के नाते क्या मैसेज देना चाहेंगे बेटियों को? मैं एज अ मदर यही मैसेज सबको देना चाहती हूँ, सारी माओं को, सारे पेरेंट्स को, पिता माता सबको, कि आपके बच्चे में जो भी टैलेंट है उसको हिडन मत करिए, अगर वो एक्सप्लोर करना चाहता है तो प्लीज़ करने दीजिए, उसको फोर्स मत किए कि नहीं तू डॉक्टर बन, तू इंजीनियर बन, तू ये बन, उसको अपने, क्योंकि उसकी ज़िंदगी है, उसकी अपनी ज़िंदगी पे पूरा हक है कि अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना चाहता है। हाँ, गलत रास्ता मत अपनाए, उसके लिए आपकी एडवाइस है, लेकिन प्यार से कॉन्फिडेंस में ले कर उनको समझाइए, ताकि वो आप ही के बच्चे हैं, कुछ गलत ले गया तो दुख हमें ही होगा, और उनको जो भी है उनकी, उनको सोचो समझो उनकी सोच को। और बच्चों से भी निवेदन यही है मेरा कि अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लो और उनको हर बात शेयर करो, कोई गलती हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, उसको शेयर जरूर करना चाहिए, तो क्योंकि पेरेंट्स ही आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वही आपके बेस्ट एडवाइस है मैम। क्योंकि बहुत बड़ा खिताब जीता है अरनाज ने, और जब आमतौर पर हम देखते हैं मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड, उसके बाद बॉलीवुड के अंदर या पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, क्या अभी कभी हरनाज ने इससे पहले शेयर किया कि अगर इतना बड़ा मूवमेंट आएगा तो उसके बाद आगे ये रास्ता होगा, और आपकी क्या इच्छा है, क्या वो बॉलीवुड के अंदर जाए या किस तरीके से वो लोगों को सर्व करे, जिस तरीके से उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है,
कि आपको लगता है कि उनको इंडस्ट्री के अंदर इस तरीके से आगे जाना चाहिए या और तरीके से सर्व करना चाहिए लोगों को? देखो, अभी तक तो मैंने कोई भी उसकी जो भी आगे कदम थे उनको रोका नहीं है, ना ही उनको रास्ते में कोई रुकावट बनी है। अभी भी हम उसको अप्रिशिएट ही करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, उसको इंस्पायर करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। जिस भी फील्ड में जाना चाहती है उसका अपना खुद का डिसीजन है, इट्स हर लाइफ, वो उसकी ज़िंदगी है। वो जैसे मर्जी अपनी ज़िंदगी को, अगर वो बॉलीवुड में जाना चाहती है, हॉलीवुड में जाना चाहती है, कुछ और इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ बॉलीवुड में आना चाहती, वो उसकी चॉइस है, क्योंकि आगे वो दो मूवीज़ कर चुकी है बॉलीवुड में। तो हम उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनेंगे। जैसा वो चाहती है अपने आप को एक्सप्लोर करना, जैसे वो कर चुकी है, आगे जो भी उसके मन की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी भावनाएं हैं, हम उसकी कदर करेंगे और उसको पूरा साथ देंगे हर तरह से। पूरा देश आज उनको ब्लेसिंग दे रहा है और बधाई भी आपको मिल रही होंगी, पूरे सुबह से बधाइयों का तांता लगा हुआ है आज। तो क्या कहेंगे समाज जो आज ब्लेसिंग कर रहा है बेटी को और पूरे समाज की बेटियों को, और ख़ास तौर पर क्योंकि पंजाब के नाम इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है आज मिली है? मैं सारी माताओं पिताओं को तह दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और उनका धन्यवाद करती हूं, क्योंकि बाहर विदेशों में भी बहुत सारी माताएं, फिलिपाइन से बहुत सारा प्यार, जो हमारे कुछ भी नहीं लगते, कुछ भी नहीं, ना जानना पहचान, उसके फॉलोअर जो इंस्टा पे इतने सारे हैं, उदय है, चिन्नू है, पिजन फैक्ट्री वाले हैं जिनका मेरे को नाम थोड़ा होता है, और उन सब का मैं तहे दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं भी की हैं उन्होंने उसके लिए। उनकी दुआओं की इतनी ताकत जो है वो भगवान तक पहुँची है और उसने अपना कॉन्फिडेंस बिखेर दिया पूरी स्टेज पे ऊपर। मैं सबका, देश विदेश में बैठे सारे लोगों का, सारे का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। भगवान आपको खूब खुशियाँ दे, आपके बच्चे भी ऐसे तरक्कियाँ करें। हरनाज के पिता भी हमारे साथ हैं, आखिरी सवाल उनसे भी करते हैं। सर, एक किसान फैमिली से आप आते हैं और इतनी बड़ी, पहले आपने स्ट्रगल किया अपनी ज़िंदगी के अंदर, अब बच्चों ने लेकिन बहुत बड़ा जो मुकाम है हासिल किया है, जब आज ये खबर मिली आपको, क्योंकि लास्ट जब 3 के अंदर, उसके बाद 2 और जब फाइनली खिताब जीता, किस तरीके का पल थे घर के अंदर, किस तरीके की मूवमेंट थी, कि आपको लग रहा था, विश्वास था कि आज इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, और जब ये खबर मिली तो आज पूरे देश की बेटियों को, पंजाब की बेटियों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, दो जो जो समय नेड़े आता था तो हमारी टेंशन बढ़ती जाती थी कि इतनी मेहनत की है, इतने महीनों से घर से बाहर है, अकेली है, तो धड़कने बढ़ती जाती थी। जब जब 15-16 में आई, फिर 10 में कैंडिडेट में आ गई, फिर 5 में आ गई, तो जब 3 में आई तो हम सोच रहे थे इंडिया अब जे अब भी बार ना जीते ना तो फिर क्या बात होगी, 3 में तो आ गई है। तो वाइफ तो गुरुद्वारा साहब में थी, तो मैं तो बेटा था, हमने तो फिर ऐसे बोले, होनहाल के नारे लगाने शुरू कर दिए, जीत। हाँ जी, बड़ी खुशी हुई, बहुत मान खोच आई। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ हरनाज के माता पिता, उनसे बातचीत की बचपन से लेकर उनकी इस तैयारी को लेकर, और उनका यही कहना था देश की बेटियों के नाम कि अपने आप पर विश्वास रखें, किसी भी तरीके से कोई फेक जो है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, खुद पर अगर विश्वास है तो कोई भी जो मंजिल है वो दूर नहीं है। और आज यही कारण था कि एक छोटे से शहर से आकर हरनाज ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर 21 साल बाद भारत का नाम जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर रोशन किया है। और उनके मदर का ये कहना था कि हरनाज पर ये निर्भर करेगा कि वो आगे बॉलीवुड के अंदर जाना चाहती हैं, पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर या हॉलीवुड के अंदर, ये उसका अपना फैसला होगा और उसके किसी भी फैसले पर उनका कोई भी जो है वो रोक टोक नहीं होगी। ये उसका अपनी ज़िंदगी है, उसको अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार भी है। कैमरामैन रवि के साथ मैं प्रदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, मोहाली, चंडीगढ़।